आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज चैनल, सबसे तेज सबसे आगे। हम आपको बताते चले, आज जैसे गुरुपर्व है उसके लिए भी यहाँ जगह जगह लंगर लगे हुए हैं और गुरुपर्व को भी लोग मना रहे हैं। उसी बीच में काफ़ी दूर से लोग आके, जैसे पंजाब से हमारे किसान भाई आके यहाँ पर, उनसे बात भी करेंगे कि किस तरीके से क्या। सर आपका नाम? हाँ जी, आपका नाम? हरबंस सिंह जी, डिस्ट्रिक्ट लुधियाना, पंजाब। लुधियाना पंजाब। जो यहाँ आए हैं, जो आपने अमित शाह से भी या मोदी सरकार से जो गुहार लगाई है, उस पर क्या सुनवाई हुई अब तक? पहले 3 तारीख दी थी, आज उन्होंने 1 तारीख को बोला है कि 1 तारीख को बात करने के लिए। किसानों के जो हाई कमांड है उनकी एक कमेटी गठित की गई है, वो जो भी फैसला लेंगी पूरे बढ़िया तरीके से, सभी की राय अनुसार जो भी किसान भाई हैं सभी से रابطہ बनाकर फिर वो सरकार के आगे अपना पक्ष रखेंगे, उसी के हिसाब से जो फैसला होगा। जैसे कल के उसमें उन्होंने बोला था कि भाई अगर जब तक आप गुराड़ी वहानी आओगे ग्राउंड में, जब तक हम नहीं सुनवाई करेंगे। नहीं, ये तो हम जहाँ लाखों की तादाद में बैठे हैं, 5 दिन हो गए, इस 5 दिन में 1% भी किसी ने कोई डिसिप्लिन या मर्यादा भंग की हो, फिर तो जंतर मंत्र की शर्त हम मानते हैं। बिल्कुल, जब शांतिपूर्वक हम बैठे हैं तो सरकार को क्या ऐतराज है। ये देखो, लोकल जितना भी एरिया है, सब जहाँ से किसानों का बना हुआ लंगर छक रहा है, सब बहन भाई हैं हमारे आसपास वाले, सभी दुकानदार हैं जो सहयोग दे रहे हैं। वो तो इसलिए होना चाहिए कि जहाँ हम कोई हिंसक घटना कर रहे हैं या कोई भनतोड़ कर रहे हैं, फिर तो सरकार की शर्त माने कि हाँ आप जंतर तंत्र में जाओ, जहाँ खल्लर पा रहे हो, किसी को रोका नहीं जा रहा, कोई एम्बुलेंस आती है उसको लंघने दिया जाता है, कोई ऐसी तो परेशानी सरकार को नहीं है। जेकर जंतर मंत्र में, पहली तो बात यह है कि जगह बहुत कम है वहाँ पर, लाखों की तादाद में जो किसान है बैठ नहीं पाएंगे वहाँ पर। जिस तरीके से चारों तरफ से बॉर्डर सील हो चुके हैं, अब दिल्ली के तकरीबन सारे बॉर्डरों पे किसान आ चुके हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हैं, चाहे हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, चारों तरफ से बंद हो चुका है। लेकिन अब भी सरकार टाइम धर रही है, जिसमें कि ये फैसला ले लेना चाहिए, उन्हें सोचनी चाहिए। जो किसान हमारा अन्नदाता है वो रोड पे बैठा हुआ, तो उसके बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। वो सोचने की तो है गल, असी तो जाके दिल्ली प्रोटेस्ट करना सी, सानू हरियाणा जी ना रोकते, दिल्ली जी सानू जगह दे देंदे, हुण कहिंदे ना बराड़ी आ जाओ, पर बराड़ी जाके सानू जिहड़ा साडा मसले का हल नहीं मिलना। असी पहले ही कूच करके आ भी दिल्ली घेरनी आ, दिल्ली घेर के साडा काम बनना। असी 2 महीने हो गए पंजाब के बच्चे रिलायंस के पंप रोके हुए आ, टोल रोके हुए आ, उन्ना चर मोदी के कंते जू नहीं छड़कनी, जिन्ना चर दिल्ली जिहड़ी पब्लिक आ साडे नाल नहीं तुरदी, सारी साडे नाल तुरूगी। मोदी एक हिटलर बनया होया, जिहड़ा कि कानून असी मंग नहीं रहे, सानू लोड़ ही नहीं है, अभी तो कहने तिन्ने काले कानून रद्द किए जाने, इहनू इह गल मान लैनी चाहीदी आ। हुण देखो अज साडे गुरु नानक देव जी का गुरपुरब आ, असी बहुत ही श्रद्धा के नाल पिंडां दे विच गुरद्वारे च मनाउने आ, पर इह अनोखा गुरपुरब होगा जिहड़ा असी सड़कां दे उत्ते मनावांगे, ते अगे नालों वध जोश ते मना रहे आ, ते असी लोकां नू इही सुनेहा दिंदे आ भाई भाई सारे बंदे शांति दे विच रहना, आपां किसे नाल लड़ना नहीं, जिहड़ा साडा रोस आ इह लोकतंत्र दे विच जायज़ आ। जे हुण मोदी इहनू नहीं मानदा जां सानू गिरफ्तार कर लवे, सारिआं नू गिरफ्तार करके सानू किसे जेल च बंद कर दवे, नहीं इहदा असीं इह जिहड़े सारे दिल्ली दे नाके आ रोक के इसे दिनां ही बंद करके, जिन्ना चिर कानून रद्द नहीं हुंदे उन्ना चिर असीं इहनां नाकियां तो नहीं हिलना, इन्हों जाम ही रखना, क्योंकि सानू तो हुण काम ही है नहीं, कणकां साडियां बीजियां वेहले आ, असीं पिछों साडे जिन्ने NRI वीर आ, हिंदू वीर आ, जां साडे मुस्लिम वीर आ, जां सिख आ,
ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵੱਸਦੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਰਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਇਹ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓਗੇ। ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਾਤੰਤਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ 10,000 ਟਰਾਲੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਜਾਮ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਜਬ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਬ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਂਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਰ ਇਸ ਵਕਤ ਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਹਮ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੇ, ਚਾਰੋ ਤਰਫ ਸੇ ਦਿੱਲੀ ਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਸ ਪੇ ਜਲਦੀ ਸੇ